नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां हम डिफेंस और विदेश नीति से जुड़ी हर बड़ी खबरों का विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, भारत और चीन के बीच टेंशन शुरू होने के बाद से ही दोनों ही देशों की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नज़दीक टैंकों का डिप्लॉयमेंट किया जाने लगा, जहां पर चाइनीज़ मीडिया की तरफ से टाइप 15 टैंकों की डिप्लॉयमेंट की खबर आई। वहीं भारत के तरफ से T-72 और T-90 टैंकों को डिप्लॉय किया गया। और अब यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया चाइना के बीच बढ़ते टेंशन के बीच इंडिया द्वारा T-14 टैंकों को लेकर काफ़ी दिलचस्पी दिखाई जा रही है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इंडिया इन टैंकों को काफ़ी बड़ी संख्या में खरीद सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इंडिया द्वारा T-14 टैंकों को खरीदा जाएगा या नहीं, साथ ही T-14 टैंकों के बारे में कुछ खास बातें करेंगे। तो दोस्तों, बीते कुछ समय से इंडिया और चीन की आर्मी आमने सामने है और अभी भी डिसएंगेजमेंट केवल पोंगशू लेक के पास ही हुई है, बाकी जगहों पर स्थिति वैसी ही बनी हुई है। और ऐसे वक्त में कयास लगाया जा रहा है कि इंडिया अपने मेन बैटल टैंकों को रशियन T-14 टैंकों से रिप्लेस करेगा या नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल ही कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि इंडिया रूस के T-14 टैंकों का पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है। अब हाल में ही इन टैंकों को एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट मिलने के वजह से ऐसी कयास लगाई जा रही है कि भारत रशियन T-14 टैंक्स के 500 टैंक्स को परचेस कर सकता है। भारत सरकार ने इसी साल 114 अर्जुन MK1 टैंकों का ऑर्डर किया है, लेकिन ये बात भी तय है कि इंडियन आर्मी की ये आखिरी डील होगी अर्जुन टैंक सीरीज को लेकर। इंडियन आर्मी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल की बड़ी संख्या को खरीदने का प्लान कर रही है और ऐसे टैंकों का विकल्प ढूंढ रही है जो कि T-72 टैंकों को रिप्लेस कर सकें। भारत चीन सीमा विवाद को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी लाइट कॉम्बैट व्हीकल में काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रही है, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है इन टैंकों के डील को लेकर। अगर भारत इन टैंकों को खरीदता है तो इसे पूरी तरह से मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ही खरीदा जाएगा। ऐसे इन टैंकों की संख्या को देखते हुए T-14 के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी रूस से भारत डील कर सकता है। आइए जानते हैं रशियन T-14 टैंकों के बारे में। तो दोस्तों, T-14 अर्माटा एक न्यू जनरेशन का मेन बैटल टैंक है। इसे पहली बार ऑफिशियली रूस द्वारा दिखाया गया था मॉस्को विक्ट्री ड्रे परेड के दौरान साल 2015 में। ये टैंक 10.8 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर वाइड और 3.3 मीटर हाई है और इसका कॉम्बैट वेट है 48 टन का। T-14 एक एडवांस मेन बैटल टैंक है जो कि अपने साथ 3 क्रू को ले जा सकता है, जिसमें ड्राइवर, गनमैन और कमांडर शामिल है। टैंक के फ्रंट साइड पर एंट्री और एग्जिट के लिए 3 हैच दिया गया है। इस टैंक के क्रू मेंबर्स आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैप्सूल से इस टैंक को कंट्रोल कर सकेंगे। वहीं इसके टरेट को अनमैन रखा गया है, इसे रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा कैप्सूल में बैठे क्रू मेंबर्स के द्वारा। इस टैंक में लगे इक्विपमेंट्स पूरी तरह से डिजिटल हैं। इस पूरे टैंक में 3 सेक्शन हैं। पहला और सामने के तरफ क्रू मेंबर्स को बैठने के लिए एक आर्मर्ड प्रोटेक्शन कैप्सूल दिया गया है। सेंटर में है अनमैन टरेट, जिसे रिमोटली ऑपरेट किया जाएगा कैप्सूल में बैठे क्रू मेंबर्स के द्वारा। टरेट पर बहुत से एडवांस इक्विपमेंट्स को लगाया गया है, जैसे कि एक मेट्रोलॉजिकल मास्ट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ग्लोनस, डाटा लिंक, रेडियो कम्युनिकेशन एंटीनास और 125mm 2A821M स्मूथ बोर गन, जो कि ऑटोमेटिक लोड हो सकता है। ये टैंक 45 राउंड फायर कर सकता है, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल्स भी शामिल है। इसके अलावा 7.62mm रिमोट कंट्रोल मशीन गन भी है। ये टैंक हीट सेंसर, अफगैनिट एक्टिव डिफेंस सिस्टम, डायनेमिक डिफेंस सिस्टम, फायरिंग एमिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, कॉम्बैट C2N नेविगेशन सिस्टम और एक्टिव काउंटर मिसाइल डिफेंस से भी लैस है। बैक स्टेशन में है इस टैंक का इंजन, जो कि 1200 HP का है, जिसमें फास्ट एयर कूलिंग सिस्टम के साथ 12 सिलेंडर गैस टरबाइन सुपरचार्जर लगे हुए हैं। T-14 की मैक्सिमम स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, वहीं रिजर्व मोड पे ये 500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नए श्रोतागण सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़ी नवीन जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाएं। साथ ही
आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। धन्यवाद। जय हिंद।